फ्रेंड रिंग को कैसे बैठाना होता है पल्सर में, तो देख सकते हैं इस कट को, ये आपका साइलेंसर की तरफ रहेगा ये वाला, और ये आपका इनलेट, ये एग्जस्ट। तो हमें किस तरीके से बैठाना है तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले दोस्तों हम इस जाली वाले रिंग को लगाएंगे, इस कट को देख सकते हैं दोस्तों, ये कट को हम इस तरफ रखेंगे पिस्टन के, ना कि ऐसे ऊपर, ये कट पोजीशन ऐसे रहेगा दोस्तों। हम इधर से देखते हैं, देख सकते हैं हमने ऐसे मिलाया, तो ये डब्लू डब्लू होना चाहिए दोस्तों। अगर हम इस तरह देखें तो दोस्तों ये डब्लू बनना चाहिए, अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो ये एम बन जाता है, तो हमें डब्लू बनाना है दोस्तों। देख सकते हैं डब्लू बन रहा है, तो हम फ्रेंड इसे हम यहाँ रखेंगे दोस्तों, इस पिस्टन बुश के पास, तो इसे हमें ऐसे लगा देना है, और फिर ये पतले वाले रिंग को लगाएंगे दोस्तों, तो इसे हम इस कोने में रखेंगे यहाँ, यहाँ इस तरीके से बैठा देंगे। फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, तो हमने बैठा दिया है, और सेकंड वाला हम इस तरफ रखेंगे दोस्तों, एक इस तरफ गुना बना देंगे, तो हमने एक इस तरफ बैठा देना है, तो ये बैठ चुका है दोस्तों, और ये हमारा टॉप वन है दोस्तों, ये टॉप टू लगेगा सबसे पहले, जो काला टाइप का होता है थोड़ा सा, तो फ्रेंड तो इस हम टॉप टू वाले रिंग को, काले वाले रिंग को लगाएंगे, तो ये हमें ऊपर की तरफ रखना है, ये आपका साइलेंसर वाला हो गया, ये ऊपर मतलब दोस्तों यहाँ पे इस मुंह में, इसे आहिस्ता आहिस्ता बैठा दें, ये बैठ चुका है। अब हम टॉप वन को लगाएंगे, और ये लिखा हुआ भाग दोस्तों ये बाहर की तरफ रखना है, इसे देख सकते हैं दिख रहा है ऊंचा, टॉप टू दिख रहा है, देखिए तो ये मैंने इस तरफ लगाया है, दूसरा इस तरफ लगा देना पड़ेगा, ये भी हमें देख लेना है, टॉप टू लिखा हुआ ऐसे लगाना है, एक इस तरफ एक इस तरफ दोस्तों, तो इसी तरीके से लगाते हैं। थैंक्स, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस टाइप से बिठाया है, तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका साइलेंसर की तरफ रहेगा, और ये हमारे कार्बिटर की तरफ, तो ये इनलेट, ये एग्जस्ट। तो दोस्तों हमने एक जाली वाले रिंग को यहाँ लगाया दोस्तों, इस पिस्टन घुस के पास, और एक इस तरफ रखा है दोस्तों, इस तरफ मतलब इस टैप करके हमने गुना टैप बना के हमने इसे फिट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।